हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो A31 स्मार्टफोन की। वैसे तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर ठीक नहीं भी हैं तो ये वीडियो देख के आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसी है जिसे देख के आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो भी आप अपने इस मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बिल्कुल ट्रू है। जी हाँ, अगर आप ओप्पो A31 स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ अमेज़ॉन पे जाएं, अमेज़ॉन एप्लीकेशन पे जाएं और वहाँ पे अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीज़न सेल स्टार्ट हो चुका है, और वहीं से अपना ओप्पो A31 परचेज़ करें। क्योंकि आप अगर अमेज़न से ओप्पो A31 परचेज़ करते हैं तो आपको 4500 रुपये तक की बचत हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इस 4500 से आप बहुत सारी अलग सी शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने लिए शूज़ ख़रीद सकते हैं, गॉगल्स ख़रीद सकते हैं, क्लोथ्स भी ख़रीद सकते हैं, और ये सारी चीज़ अभी सस्ते दाम पे आराम से अमेज़न एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीज़न ऑन है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चलते हैं अमेज़ॉन एप्लीकेशन पे और वहाँ चेक करते हैं ओप्पो A31 मतलब ओप्पो A31 का एक्चुअल कॉस्ट क्या है और वो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीज़न सेल में कितने का मिल सकता है और हमारी एक्चुअल जो सेविंग है वो कितने की हो सकती है। तो जल्दी से हम चलते हैं, अमेज़ॉन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में। तो दोस्तों, ये मैंने स्टार्ट कर लिया है, मैंने ऑन कर लिया है अमेज़न एप्लीकेशन, और ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो अमेज़न का होम पेज है। अगर हम होम पेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीज़न का कैसे एडवर्टीजमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लाइव नाउ। तो दोस्तों, बेसिकली हम यहाँ पे चेक करने आए हैं कि ओप्पो A31 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है और वो इस डील में हमें कितने का पड़ेगा, हमारा कितने का सेविंग होगा, ये सारी चीज़ें हम चेक करने आए हैं। और प्लस हम ये भी चेक करेंगे कि ओप्पो A31 में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें अमेज़न से ख़रीदने पर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम क्लिक कर लेते हैं मोबाइल्स पे और सर्च करते हैं हम ओप्पो A31 कहाँ पर है। यहाँ पर तो फाइनली हमें मिल गया है ओप्पो A31 मिस्ट्री ब्लैक, 6 GB रैम, 128 मतलब 128 GB स्टोरेज के साथ ओप्पो A31। तो ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो हमारा ओप्पो A31 स्मार्टफोन है। अगर हम इस ओप्पो A31 स्मार्टफोन के ओरिजिनल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट जो मेंशन है MRP वो है 15,990, जबकि ये डील प्राइस पे मिल रहा है 11,490 रुपये का सिर्फ। तो अगर हम सेविंग की बात करें तो हमें इस मोबाइल को अमेज़न से ख़रीदने पे अभी कितने की सेविंग हो रही है या कितना रुपए हमारा बच रहा है, वो बच रहा है हमारा 4500, यानी 4500 रुपए की सेविंग हो रही है हमारी अगर हम ओप्पो A31 स्मार्टफोन अमेज़न से परचेज़ करते हैं। तो अगर हम ओप्पो A31 स्मार्टफोन के फीचर और की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कैमरे की। तो इसका जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल मेन कैमरा है इसके अंदर, प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। अगर हम ओप्पो A31 स्मार्टफोन के रैम की बात करें तो जो रैम है वो है 6 GB रैम, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 128 GB।
128 GB। अगर हम इसके कुछ और बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी फॉर डिवाइस एंड 6 मंथ्स मैन्युफैक्चरर वारंटी फॉर इनबॉक्स एसेसरीज इंक्लूडिंग बैटरीज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। सो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा अगर आप ओप्पो A31 प्लस यहाँ से अमेज़न से परचेज़ करते हैं। तो अगर हम इस मोबाइल की वेट की बात करें तो ये है हमारा 180 ग्राम का, जो कि इजी कैरी कर सकते हैं हम कहीं भी, क्योंकि 180 ग्राम ज़्यादा हेवी नहीं होता, तो इसका जो वेट है वो भी हमारा सही है। तो अब ओवरऑल अगर हम इसके फ़ीचर्स की बात करें तो इसके फ़ीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ़ोन हमारे बजट में आसानी से आ सकता है, और इसके जो फ़ीचर्स हैं वो इसकी कॉस्ट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़, अगर आपकी रेंज ज़्यादा नहीं है और आप 12-13 हज़ार रुपये की रेंज है आपकी, तो आप ओप्पो A31 स्मार्टफोन ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दें, ताकि हमें पता चल सके कि हम कैसी वीडियो बना रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है या नहीं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर हम अपने उस इम्प्रूवमेंट एरिया पे काम करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।